हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनटों में ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल बटन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी एक चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है, और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें 1.5 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कोकोनट भून जाए और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे, तो तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको ये कोकोनट ईजिली मिल जाएगा, कोकोनट का पाउडर। अब लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध। तो आप यहाँ पे उबला हुआ दूध ले सकते हैं, या फिर जो मलाई आ जाती है दूध के ऊपर वो वाला दूध भी इस रेसिपी के लिए लिया जा सकता है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तब तक हमें पकाना है जब तक जो नारियल है, नारियल का बुरादा, दूध को अच्छी तरह से ऑब्जर्व ना कर ले। तो 2 से 3 मिनट तक हमें इस तरह से इसे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं दूध पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चीनी, और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और अच्छी तरह से इसे चलाते हुए हमें पकाना है। और चीनी मेल्ट होने लगेगी, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चीनी मेल्ट होने लगी है। तो फ्रेंड्स, चीनी की मात्रा आप यहाँ पे घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट आपको अच्छा लगता हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे लगातार चलाया और चीनी जो हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो इससे एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा हमारे लड्डुओं में। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली मिठाई है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और लगातार चला लेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मिल्क पाउडर को डालने के बाद भी इस मिश्रण को अच्छी तरह से पका लिया है 2 से 3 मिनट तक, और अब इस मिश्रण ने बिल्कुल पैन छोड़ दिया है। तो स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे हम एक बर्तन पर निकाल लेंगे, और अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। मिश्रण हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, मैं छू पा रही हूँ इसे। तो इस तरह से हमें जितने छोटे बड़े लड्डू बनाने हैं उतना हम ले लेंगे, और इस तरह से इसे लड्डू की शेप दे देंगे, गोल गोल राउंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनके तैयार होती है, और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हमने ये लड्डू बना लिया है, और यहाँ पे मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है। तो इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिल्कुल मार्केट वाला लुक लाने के लिए, मैं इसे कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कितना टेस्टी हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो मैं इसे इस तरह से प्लेट में रख दूंगी, और इसी तरह अपने बाकी के लड्डू भी बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुछ ही मिनटों में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मिठाई बनके तैयार है, कोकोनट के लड्डू। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ।